बड़ी खबर आपको दें कि मुख्यमंत्री गहलोत का भरतपुर दौरा, सीएम गहलोत की सुरक्षा में चूक हुई है। हेलीपैड पर पहुंच गया एक युवक, पुलिस कर्मियों ने युवक को पकड़ा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो रहे थे और इसी दौरान एक युवक पहुंच गया। मुख्यमंत्री गहलोत का भरतपुर दौरा था, हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो रहे थे, तभी एक युवक पहुंच गया। तो ये बड़ी बात हो जाती है, एक तरफ मुख्यमंत्री का दौरा, लेकिन दूसरी तरफ युवक पहुंच कैसे गया हेलीपैड पर। पुलिसकर्मियों ने युवक को हालांकि पकड़ लिया। अब युवक क्यों पहुंचा था, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि ये देखिए लाल घेरे में तस्वीर आप देखिए, ये युवक हेलीपैड पर पहुंच गया। हालांकि ऐसी परमिशन नहीं होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीपैड पर, ये देखिए हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री बैठकर रवाना हो रहे थे और उसी दौरान ये युवक पहुंच गया। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि कैसे ये युवक इतने आगे तक पहुंच गया, क्यों नहीं उसको रोका गया, क्या सुरक्षा इतनी ज्यादा पुख्ता नहीं थी, या फिर ये किसी की नजर में नहीं आया, और नजर में नहीं आया तो फिर कैसे नहीं आया, क्योंकि सुरक्षा तो पुख्ता रहती है, कड़े इंतजाम रहते हैं। इस तरीके से कोई आम व्यक्ति मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द नहीं आ सकता है, क्योंकि सुरक्षा का दायरा इस तरीके से होता है। ये देखिए एक युवक, मुख्यमंत्री इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो रहे थे, उसी दौरान ये युवक कितनी आसानी से पहुंच जाता है। देखिए लाल घेरे में आप ये युवक देख रहे हैं, ये वही युवक है जो मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाता है। लेकिन बाद में ये जो ऑफिसर होते हैं वो अलर्ट होते हैं, इसको पकड़कर तुरंत ले जाते हैं। लेकिन क्या मंशा रही इस युवक की, क्यों ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऐसे ही घटना घटित हो जाती है। लेकिन रवि कटारा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। रवि, ये शख्स कौन था जो मुख्यमंत्री के इतने पास तक पहुंच गया, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहुंच गया इतने नजदीक। देखिए अभी तक जो युवक पकड़ा गया उसकी अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे हेलीकॉप्टर के साथ, तो ऐसे में अचानक एक युवक वहां पहुंच जाता है, उसके बाद पूरा माहौल तो अफरातफरी का मच जाता है। तुरंत प्रभाव से जो पुलिस है वो उस लड़के को, युवक को पकड़ती है, आईजी जो है और एसपी उस लड़के को पकड़कर पुलिस को हवाले कर देते हैं। हालांकि लड़के को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया वो लड़का कौन सा, बताया जा रहा है कि वहाँ आसपास काम करने वाला है कौन है। लेकिन ये सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, कि अचानक जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था तो उससे पहले अचानक युवक वहां से आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। जी रवि, वही तो बड़ा सवाल है कि बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता वहाँ पर मौजूद था, लेकिन युवक इतनी आगे तक कैसे पहुंच गया, क्या इसके पास से कुछ बरामद हुआ है क्या? देखिए जो युवक है जिसको पुलिस पकड़ के लगी, लेकिन उसके पास से ऐसा कोई बरामद चीज नहीं हुई है। अब ये अभी पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो लड़का कहां का रहने वाला है, क्यों वहां पहुंचा, इस सभी चीजों को लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि उस दौरान तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, तमाम मंत्री मौजूद थे, सीएम की सुरक्षा का मामला कहीं ना कहीं एक गंभीर चूक नजर आई है। लेकिन रवि यहाँ पर ये देख रहे बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच गया ये, जब निकल के गया होगा इतनी आगे तक, तब क्या किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर? देखिए जब लड़का जो युवक था क्या, तो युवक जब वहाँ पहुंचा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था, तो अचानक जो पुलिस कर्मी है उनकी नजर वहाँ पड़ी, कई लोगों ने वहाँ हल्ला मचाया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद जो सादा वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे, तो वो अचानक वहाँ पहुंचा और युवक को पकड़ा, जिसके बाद पकड़ने के बाद आईजी जो एसपी है दोनों ने युवक को पकड़ा और उनको पुलिस के लिए सौंप दिया है। जी और अभी इस युवक की क्या कोई गतिविधि ऐसी लगी संदिग्ध, क्या ऐसा कुछ बताया गया कुछ? देखिए अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि संदिग्ध नहीं लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये इतनी बड़ी चूक थी कि कल अगर कोई व्यक्ति और होता तो एक बड़ा घटनाक्रम, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में ये चूक आखिर किस कारण से हुई, बड़ा सवाल है। जी रवि, हम तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इस युवक के हाथ में नजर आ रहा है, क्या है, फोन है क्या उसका या फिर कोई अन्य सामान है? देखिए जो उसके हाथ में है टोपा पहना हुआ जो युवक है, उसके हाथ में मोबाइल बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस इसको लेके गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली की रवाना हो गए हैं और जो जनसभा का कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में उसको फास्ट जो थाना लगता है वहाँ भेज दिया है। हालांकि पुलिस उन सभी चीजों को लेकर पूछताछ करेगी। बिल्कुल रवि, क्या मुख्यमंत्री के साथ ये सेल्फी लेना चाह रहा था या फिर कुछ केवल टहलता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसी कोई कोशिश की गई क्या इसकी तरफ से? देखिए मुख्यमंत्री के साथ जो युवक है, तो देखिए रवि जो मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, अमूमन ये सवाल इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से लोग मिलना चाहते हैं,
हम देखते हैं मुख्यमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं तो उनसे हाथ भी मिलाते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं उनसे सेल्फी भी लेते हैं, कई बार दीवानगी इस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए लोगों में देखी जाती है। खासतौर से युवा हमने देखा है बीते दिनों जब जब मुख्यमंत्री गए हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। अब ये लाल घेरे में युवा का आप देख रहे हैं, इसके हाथ में इसका सेलफोन है, फोन नजर आ रहा है, संभवतः इसने सेल्फी लेने की कोशिश की हो मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से कोई आसानी से मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं पहुंच सकता है, जाब्ता वहां पर पुलिस का तैनात रहता है। लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं कि ऐसे कैसे कोई भी इतना पास मुख्यमंत्री के पहुंच जाता है, हेलीपैड पर वो पहुंच जाता है। अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि समय रहते इस युवक को पकड़ लिया गया, अब उससे पूछताछ की जा रही है।